अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में आए हैं मैगी पकाने के लिए, लेकिन ट्राई करते हैं आज मैगी पकाएंगे। आप लोग अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे पकाने में आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, और मेरे चैनल अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं हर मेन क्रिएटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मसाले और मैगी हमने रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने चार मैगी लिए हैं और उसका ये मसाला है, और यहाँ मुझे बहुत पसंद है फली के बीन्स रखा हुआ है, और यहाँ दो प्याज काटा हुआ है, यहाँ हरी मिर्ची पर रखा हुआ है, यहाँ दो पंडू काटा रखा गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग धनिया पाउडर है, हल्दी है, चिल्ली पाउडर है, और यहाँ ऑयल है। अभी मैंने पानी गर्म के लिए रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम मैगी डाल देंगे। तो चलिए कुछ मसाले वगैरह हम इसमें तेल भी डालकर मसाले वगैरह जब तक पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी इसमें उबाल आ चुका है, अभी मैं मैगी डाल देता हूँ। अभी हम इसको भी ऑन कर लेंगे, जब तक ये कड़ी गर्म हो जाएगी तो हम उसमें ऑयल डाल देंगे। आज बहुत टेस्टी बनने वाली है हमारी मैगी, आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी हमारी कड़ी गर्म होने वाली है, ये देखो हमारी कड़ी गर्म हो चुकी है। अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तो फ्रेंड्स तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इसके साथ मिर्ची भी ऐड कर देंगे। जब तक हमारी प्याज ब्राउन कलर ना हो जाए हम इसको थोड़ा भून लेते हैं। ये भी देखो, आप लोग देख सकते हैं हमारी मैगी अभी खुलना शुरू हो चुकी है, बिल्कुल पकाने के लिए तैयार है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो भाई, हमारी जो प्याज है अभी ब्राउन कलर हो चुकी है, हम इसमें थोड़ा सा फली का बीन्स ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे, मसालों में थोड़ा उसमें ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर स्वाद अनुसार। थोड़ा नमक, हल्दी ऐड कर देंगे, और थोड़ा चिल्ली पाउडर। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है मैगी पकाने का, बहुत टेस्टी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा मैगी मसाला। चारों मैगी के चारों मसाले हैं यहाँ पर, इसमें ऐड कर देता हूँ। वैसे तो इसमें नमक रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अभी हम इसमें मैगी ऐड कर देते हैं। हम
इसमें लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ा पकाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारी मैगी, पककर रेडी हो चुकी है। ये एक दो मिनट के लिए हम कम फ्लेम में पकाएंगे, उसके बाद इसको नीचे उतार देंगे। पककर रेडी हो चुकी है, खुशबू तो बहुत मज़े वाली है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारी मैगी पककर रेडी हो चुकी है, बहुत खुशबूदार है, टेस्टी है। तो फ्रेंड्स जिसे भी ये अच्छा लगा है आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं।